खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां पर आपसी विवाद को लेकर विशाल कपले नामक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विशाल कपले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट के उपशहर प्रमुख हैं। हत्या के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो हमलावरों को अरेस्ट किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट के उपशहर प्रमुख विशाल कपले नामक शख्स की अकोला में हत्या कर दी गई। घटना के बाद एसपी संदीप गुगे, एडिशनल एसपी मोनिका राउत, एसडीओपी सुभाष दूधगांवकर सहित सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रामदास पैठ पुलिस ने इस मामले की जांच की शुरुआत की और दो घंटे के भीतर ही अकोट फाइल पुलिस की मदद से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के नाम 23 वर्षीय शिवानंद मनोहर वेकर और 22 वर्षीय विनोद रमेश कामले है। हत्या का कारण 10 दिन पहले इन लोगों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते ये हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अकोला से शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। कल शाम 7 बजे जेठापुर चौक में एक नवयुवक युवक पे जानलेवा हमला हुआ है, ऐसी खबर हमें थाने में प्राप्त हुई। उसी मुताबिक हम हमारे सभी स्टाफ के साथ में घटनास्थल पर पहुँचे। उसी वक्त सभी वरिष्ठ अधिकारी माननीय एसपी सर, एडिशनल मैम और एसडीपी सर, इन्होंने भी स्पॉट पर विजिट की। जख्मी जो आइकॉन अस्पताल में उपचार के लिए लेके गए थे, लेकिन उसकी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया।